इंडिया का पहला सुपर हीरो, ये सुनते ही कौन याद आता है? ऑब्वियसली द वन एंड ओनली शक्तिमान। सो गाइस द गुड न्यूज इज कि शक्तिमान इज बैक। जी हाँ, नाउ इट इज ऑफिशियल। सोनी पिक्चर्स इंडिया और भीष्म इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली शक्तिमान का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया है, वो भी 4K में। हालांकि ये सिर्फ CGI के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इमेजेस हैं, बट स्टिल अ ग्रेट बिगनिंग। सो हे गाइस, मैं हूं कन्हैया सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअली ऑसम। सो बिना इंधरा कायम किए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा बचपन का प्यार हमें भूला नहीं, हमारा अपना भारतीय सुपर हीरो जिसके पावर का सोर्स कोई इंफिनिटी स्टोन नहीं है बल्कि पंच तत्व है, जिसे यह शक्ति किसी मकड़ी के काटने या गामा रेज की वजह से नहीं मिली है बल्कि अपने इंद्रियों पर जीत हासिल करने की वजह से मिली है। और यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन को बुरा नहीं कह रहा, मैं शक्तिमान को अच्छा कह रहा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और यहाँ पर तो कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि शक्तिमान तो बस वेस्टर्न सुपर हीरोज की कॉपी है, मोस्टली सुपरमैन की। पर मित्रों, उसे कॉपी करना नहीं, इंस्पायर्ड होना कहते हैं। कैसे? आधे रीजंस बता चुका हूँ, आधे बताता हूँ। तो शक्तिमान का इजाद कैसे हुआ? कलयुग का कोप छाया हुआ है, मनुष्य निष्ठा की सारी हदें लांग रहा है और सम्राट के विष अंधेरा कायम करने ही वाला है। तब ऋषि मुनि अपने तपोबल से यज्ञ करते हैं और पंच तत्वों की शक्ति एक ऐसे मनुष्य को देते हैं जिसने अपने सातों चक्रों को सक्रिय कर लिया है, इंग्लिश में बोले तो एक्टिवेट। जबकि सुपरमैन तो अलग ही ग्रह क्रिप्टॉन से आया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर मैं सुपरमैन को बुरा नहीं कह रहा, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पर एक चीज तो सिमिलर है, सुपरमैन का अल्टर ईगो क्लार्क कैंट बस एक चश्मा पहन लेता है और उसे कोई पहचान नहीं पाता है, जबकि उसके चेहरे पर कोई मास्क भी नहीं होता, फिर भी पीपल आर लाइक ये कौन है? पर गंगाधर ने नकली दांत लगाए थे गाइस, इम्प्रोवाइजेशन। सो आई थिंक आई मेड माय पॉइंट क्लियर कि शक्तिमान स्लाइटली इंस्पायर्ड है, ना है कि कॉपी। और अगर शक्तिमान सुपरमैन की कॉपी है तो स्टार वॉर्स भी रामायण की कॉपी है। कैसे? बताता हूँ। स्टार वॉर्स के राइटर और डायरेक्टर जॉर्ज लूकस ने खुद कहा था कि स्टार वॉर्स इज इंस्पायर्ड बाय रामायण। चलो देखते हैं कैसे। तो खलनायक एक सुंदर राजकुमारी का अपहरण कर लेता है, एक जवान और सुंदर नायक उसे छोटी सी सेना की मदद से बचाता है, और एक ऐसा साइडकिक जो वानर की तरह दिखता है और उसके पास अथाह बल है। कहीं सुना हुआ लगता है, नहीं? ऑफ कोर्स रामायण से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, मार्वल का डॉक्टर स्ट्रेंज जिसका इतना भौकाल मचा हुआ है वो भी चंदू द मैजिशियन से इंस्पायर्ड है। इतना काफी है कि और सुनाऊं? शक्तिमान एक किरदार नहीं इमोशन है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लौंडे इसके लिए स्कूल बंक किया करते थे और जिन लौंडों का एक सॉरी ना बोलने के कारण मैटर हो जाया करता था, वो लड़के टेलीविजन के सामने आकर सॉरी शक्तिमान बोला करते थे, यानी कि वो भौकाल जो ना कभी देखा गया था और ना शायद कभी देखा जाएगा। और भाई, इस मूवी को बना भी कौन रहा है? सोनी, जिसके पास प्रतिभा और साधन दोनों है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और साथ में हमारे शक्तिमान और सुनोने पितामह AKA मुकेश खन्ना जी भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो ओरिजिनलिटी के मामले में भरोसा तो कर ही सकते हैं। और भाई, मुकेश खन्ना जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि जो भी बनाएंगे बड़ा बनाएंगे। इसे गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है, अब कैसे बनेगी शक्तिमान, मैं धीरे से आपको रिवील करूंगा। मैं हूँ नहीं हूँ वो भी मुझे नहीं मालूम, करना है कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे बने, 100-200-300 करोड़। तो अब सवाल आता है कि शक्तिमान प्ले कौन करेगा? ऋतिक रोशन की तो देखकर वीडियो पर क्लिक किया है, जहां पर स्टूडियो का कहना है कोई बड़ा सुपरस्टार इस रोल को प्ले करेगा। पर टीजर के रिलीज होने से पहले मुकेश खन्ना जी का कहना था कि मैं ये रोल किसी बड़े सुपरस्टार को नहीं दे सकता क्योंकि इमेज का लफड़ा हो जाएगा। तो शक्तिमान कौन बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपके हिसाब से इस रोल में बेस्ट कौन फिट होगा ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए तड़ा।